यह टाइटेनोवा ये आज के अजगर से मिलता जुलता प्राणी है, लेकिन उसकी तुलना में काफ़ी बड़ा हुआ करता था। 5 से 6 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले टाइटेनोवा में 13 मीटर तक लंबे हुए करते थे। अगर आज के अजगर की लंबाई की बात की जाए तो ये सिर्फ 7.5 मीटर तक होता है। ये जाइंट डीरर है, इसे आयरिस एल्क भी कहा जाता है। करीब 20 लाख साल पहले ये हिरन आयरलैंड सहित यूरोप में रहता था। कंधे तक इनकी ऊंचाई 7 फीट तक होती थी और इनका वजन 700 किलोग्राम से भी अधिक पाया जाता था। इस विशालकाय पक्षी का नाम है अर्जेंटेविस। ऐसे पक्षी 50 से 80 लाख साल पहले पाए गए थे। ये अपने पंख 7 मीटर तक फैला सकते थे। यह है गिगेंटोथिपेकस। यह 10 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 4 मीटर तक लंबा और 550 किलोग्राम तक पहुँचने होता था। यह मूल रूप से बांस ही खाता था। इस विशालकाय कीड़े का नाम है मैरोस्टॉम्स। इसकी लंबाई 2.5 मीटर तक होती थी, यानी इंसानों से दुगनी। ये 25 से 50 करोड़ साल पहले हुआ करते थे। इस तरह के भालू हिमयुग में पाए जाते थे, लेकिन 14,000 साल पहले लुप्त हो गए। पैरों पर खड़े होने की स्थिति में 4.5 मीटर तक होती थी। यह एम्फीसीलिया जमीन पर विचरण करने वाले अब तक के सबसे बड़े प्राणी थे। 14 से 16 करोड़ साल तक पहले मोसेप तक इनकी लंबाई 58 मीटर तक होती थी। ये इस धरती पर 6.5 से 8.5 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। ये धरती के इतिहास में सबसे बड़े उन्वेचार जानवर थे। इनके पंखों का फैलाव भी 12 से 15 मीटर तक होता था।